सो गाइज, मुझे बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे थे कि भाई हमें वीडियो में आना, हमें वीडियो में आना। तो गाइज, उसके लिए आपको दो स्टेप करने होंगे। पहला, ये आपको मेरे इंस्टाग्राम का पेज का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जाओ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। सेकंड थिंग, आपको डिस्कॉर्ड का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, डिस्कॉर्ड को भी ज्वाइन कर लेना। डिस्कॉर्ड पे अनाउंसमेंट होती है, जब भी शूट होगा तो वहाँ पे आपको आना पड़ेगा। और यार, वीडियो को लाइक कर दिया करो, हमें बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाती है, 4-5 दिन लग जाते हैं यार एक वीडियो बनाने में। आपके सिर्फ 10 सेकंड लगेंगे एक वीडियो को लाइक करने में, और नीचे कमेंट में बता दिया करो कौन सा पार्ट आपको बेस्ट लगा। इस वीडियो में एम करते हैं 25,000 लाइक्स का, आई होप आप सभी इसको कंप्लीट कर दोगे। चलो वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा मम्मी पापा, मैं स्कूल जा रहा हूँ, बाय बाय। अरे भाई कैसा है, बड़े दिनों बाद आज स्कूल आया यार तू। अरे हाँ यार, 2-3 दिन से बीमार था और फिर शादी में चला गया था। अच्छा बेटे, अकेले अकेले चला गया तू मजे करने? अरे कुछ मजे नहीं थे यार वहां। चल क्लासरूम यार, बेल बज गई। हाँ चल। अरे वो देख, प्रिया आ रही है। हाय प्रिया। हाय वरुण, क्या हुआ, परेशान लग रही हो? अरे कुछ नहीं यार, वो तो दो लड़के स्कूल के बाहर मुझे तंग कर रहे थे। कौन थे वो, एक बार नाम बता दो, एक एक को मजा चखा देंगे। अरे कोई नहीं, जाने दो यार। अरे हम तुम्हारे दोस्त हैं, तुम हमको तो बता ही सकती हो। तुम अभी क्लासरूम चलो, छुट्टी के बाद बताऊंगी, वो बाहर ही मिलेंगे। वहां देखो वो रहे। ठीक है, तुम चिंता मत करो, चलो तुम आगे आगे, हम देखते हैं। ओए होए मैडम जी, आप तो बड़ी सुंदर लग रही हो, इस सुंदरता का राज तो बताती जाओ। आ जा बेटे, हम मनाते हैं तुझको अभी हैंडसम, फेयर एंड लवली से मसाज करेंगे तेरी। चलो प्रिया, आज के बाद ये तो तुमको परेशान नहीं करने वाले। थैंक यू सो मच वरुण। अरे इसमें थैंक्स ही क्या बात है, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। चलो तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। बाय वरुण। बाय। अच्छा सुनो ना, क्या तुम कल मुझे मॉर्निंग में पिक कर सकते हो? हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। और भाई, कल तो प्रिया के साथ बड़ी गुटरगुज चल रही थी, उसको ड्रॉप भी करने गया था तू तो उसके घर। अरे ऐसा कुछ नहीं है जैसा तू सोच रहा है। तो कैसा है? हट बे, ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ बेस्ट फ्रेंड है। तू मेरा चड्डी बड्डी है बेटा, तुझे बचपन से जानता हूँ मैं, मुझको पता है तू प्रिया को लाइक करता है। अबे नहीं यार। भाई मेरी बात मान, कल वैलेंटाइन डे है, प्रपोज मार दे उसको, 100% बोल रहा हूँ वो भी तुझको लाइक करती है, मना नहीं करेगी। अबे नहीं यार। अरे तू मेरी बात मान ले, नहीं तो वो तुमको घर से पिक करने को क्यों बोलती, जबकि उसके पास खुद की स्कूटी है। हाँ ये तो है, चल देखते हैं। प्रिया, प्रिया। हाँ वरुण, बस एक मिनट दो, आती हूँ मैं। बैठो। हाँ चलो।
अरे ये कहाँ लेके जा रहे हो, स्कूल तो पीछे रह गया। तुम बस 2 मिनट चुप रहो। अरे पर बताओ तो सही, जा कहाँ रहे हो? तुमको मुझ पे विश्वास है ना? हाँ। 2 मिनट बस बैठे रहो आराम से। ये लो पहुंच गए। ये कहाँ ले आए तुम? प्रिया मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना। हैप्पी वैलेंटाइन डे प्रिया, क्या तुम मेरी वैलेंटाइन बनना पसंद करोगी? बस बस बस, इतनी एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, पबजी है ये। और बुद्धू तुम मुझे पहले से पसंद हो। आई लव यू। आई लव यू टू। पर मेरी ना एक शर्त है, वो जो तुम्हारे 2-3 लफंगे दोस्त है ना, मुझको वो बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम ना उनके साथ ज़्यादा मत घुमा करो। अरे पगली तू टेंशन मत ले, तू नहीं समझेगी। अरे ये लड़की तो प्रिया है, पर वो लड़का कौन है जिसके साथ वो नैन मटक्का कर रही है? इनके घर वालों को बता कर आता हूँ, अपने आप देख लेंगे। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। अंकल जी एक खबर देने आया हूँ मैं आपको। आप बहुत इज्जतदार आदमी हो, पर आपकी बेटी आपकी इज्जत को मिट्टी में मिला देगी अगर आपने उसको नहीं रोका तो। क्या कहना क्या चाहते हो, सीधे सीधे बोलो। अंकल आपकी बेटी प्रिया जारकी में एक लड़के के साथ नैन मटक्का कर रही थी, मैंने अपनी आंखों से देखा था। मैं चलता हूँ, आगे आप भी समझदार हो, देख लेना कहीं पबजी मुंह दिखाने लायक ना रहो। मैं घर आ गई। प्रिया कहाँ थी सारा दिन आज? वो पापा मैं, मुझको सब पता चल चुका है, तुमने मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। अगर दोबारा उस लड़के से मिली तो मैं भूल जाऊंगा कि कोई मेरी बेटी भी है। जाओ अपने रूम में और वहां से बाहर मत निकलना। परन मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं तुम्हारे साथ और कभी नहीं मिल पाऊंगी। तुम्हारे और मेरे बारे में मेरे पापा को सब पता चल गया। क्या अभी तो हमारी लव स्टोरी स्टार्ट हुई थी, तूने अभी से क्लाइमेक्स कर दिया। नहीं मैं नहीं मिल पाऊंगी, अगर किसी ने हम दोनों को एक साथ देख लिया ना तो पापा मुझे जान से मार देंगे। एक बार लास्ट टाइम, सिर्फ 2 मिनट के लिए प्लीज, मैं मैसेज कर दूंगा कहां पे आना है। तुम्हारे कहने पर मैं यहाँ आ तो गई, पर अब जल्दी बताओ क्या कहना था। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, और तुम? मैं भी, पर मैं मजबूर हूँ। हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। ये दोनों फिर से? लगता है अंकल जी ने इसको सबक नहीं सिखाया, दोबारा जाकर आता हूं उनके घर। अंकल जी आपकी बेटी आज भी उसी लड़के के साथ घूम रही है, अभी अभी देख कर आया हूं मैं। क्या अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है, उसने मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। लेकिन अब बची कुछ इज्जत को बचाना ही होगा, नहीं तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। उसको कितनी बार समझाया लेकिन वो नहीं मानी। वो दोनों कल का सूरज ना देख पाए, खत्म कर दो दोनों को। चलो प्रिया भाग चलते हैं, हम दोनों साथ में रह लेंगे कहीं पे, मेरे दोस्त सब संभाल लेंगे यहाँ पे, मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया।
तूने तेरे बाप की बात का भी मान नहीं रखा, इतनी भी क्या हंदी हो गई थी प्यार में? तुम दोनों को जीने का कोई हक नहीं। थैंक यू मेरे दोस्त, अगर आज तुम नहीं होते तो शायद आज हम जिंदा ना होते। देखा प्रिया, जिनको तुम लफंगा बोल रही थी ना, आखिरकार आज उनने हमारी जान बचा ली। अरे भाई ये तो अपना, और सच्चा प्यार कभी किसी का गुलाम नहीं होता। तुम दोनों सदा खुश रहो, जाओ मौज लो, हम देख लेंगे यहाँ। ओ हेड ग्रेनेड जाए यार जट दे, रोला रप्पा खत्म करनी आउंदे आ। हेड ग्रेनेड जाए यार जट दे, रोला रप्पा खत्म करनी आउंदे आ। I'm rich. Hey.